उस आलिशान हाई राइजिंग बिल्डिंग के सामने पहुंचकर उसने एक गहरी सांस छोड़ी और सिर उठाकर उस आसमान छूती इमारत को देखा। आखिरकार इतने टाइम बाद मुझे वो मिल ही गया जिसका मुझे इतनी बेसब्री से इंतजार था। उसके होठों पर एक गहरी मुस्कान उभरी और उसने अपने कदम उस बिल्डिंग की ओर बढ़ा दिए। इससे पहले कि वो अंदर जा पाता, एक अधेड़ उम्र के दरबान ने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया। ओए लड़के, कहां जा रहा है? तुम्हारे पास वर्क परमिट है क्या? दरबान ने उसे ऐसे घूरा जैसे उसे चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा हो। मैं यहां काम नहीं करता, बस किसी से मिलने आया हूं। मिहिर ने एक गहरी सांस भरी और खुद पर एक नजर डाली। इस समय बस उसने एक डेनिम की जीन्स और टी शर्ट पहनी हुई है और उसके पांव में भी कैजुअल शूज हैं। किसे ढूंढ रहे हो? कौन से फ्लोर पर? दरबान ने उसे शक की निगाहों से घूरा। 6th फ्लोर पर। उसकी बात सुनते ही दरबान ठहाका लगाकर हंस पड़ा। लड़के, लगता है तुम गलत जगह आ गए हो। ये सिर्फ 4 मंजिला इमारत है, उससे ऊपर जाना चाहते हो तो ज्यादा ही ऊपर का टिकट कटाना पड़ेगा। ठीक उसी समय काले सूट और मिनी स्कर्ट पहनी एक खूबसूरत सी लड़की बाहर आई और इस अनप्रोफेशनल बिहेवियर को लेकर दरबान को घूरा। क्या बात है, कोई दिक्कत है? उस लड़की ने अपनी भौहें उचकाते हुए पूछा। मैडम जी, इस लड़के को 6th फ्लोर पर जाना है। 6th फ्लोर? लड़की ने चौंक कर मिहिर को देखा और कहा, ये दरबान सही कह रहा है, 6th फ्लोर पर जाना नामुमकिन है, इसलिए आप जाइए यहां से। इससे पहले कि मिहिर कुछ कहता, उसे सामने से कुछ लोग आते हुए दिखाई दिए और उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। दरबान लड़की को छेड़ रहा है, कोई मदद करो, आइए जल्दी। मिहिर की चालाकी देखकर वो लड़की और दरबान दंग रह गए। वो लोग भागते हुए दरबान के पास आए और उसको पकड़ लिया। इसी बीच मौका पाकर मिहिर बिल्डिंग के अंदर चला गया। उस लड़की ने सबको रोकते हुए कहा, वो लड़का झूठ बोलकर बिल्डिंग में घुस गया है, आप प्लीज दरबान को छोड़िए और जाइए यहां से। इतना कहकर वो लड़की अंदर की ओर भागी और दरबान भी उसके पीछे भागा। इससे पहले कि दोनों मिहिर को पकड़ पाते, वो लिफ्ट में दाखिल हो गया और जल्दी से टॉप फ्लोर का बटन दबा दिया। नो, प्लीज स्टॉप। लिफ्ट का दरवाजा बंद होते देखकर वो लड़की तेजी से लिफ्ट की ओर आई, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हो चुका था और मिहिर ने जाते जाते उसे चिढ़ाते हुए हाथ हिलाकर बाय कहा। मैनेजर लड़की ने दूसरी लिफ्ट का बटन दबाते हुए दरबान को घूर कर देखा और कहा, अगर वो लड़का 6th फ्लोर पर पहुंच गया ना, तो मेरी नौकरी तो गई और साथ में तुम्हारी भी। इतना कहकर वो दूसरी लिफ्ट में ऊपर की ओर चली गई। 6th फ्लोर इस बिल्डिंग का आखिरी फ्लोर है। ये फ्लोर बहुत बड़ा है, जिसके चारों तरफ कांच की दीवारें हैं, जिनसे बाहर का नजारा साफ देखा जा सकता है। मिहिर भी एक खिड़की पर जाकर खड़ा हो गया और बाहर का नजारा देखने लगा। हाँ, हिलना मत, जहां खड़े हो वहीं पर रहो। आखिरकार मैनेजर लड़की ने उसे पकड़ ही लिया। वो इस समय सीढ़ियों पर खड़ी है और हांफते जा रही है। मिहिर जिस लिफ्ट से ऊपर आया था वो एक प्राइवेट लिफ्ट थी, बाकी सभी लिफ्ट बस 4th फ्लोर तक ही आ सकती है, जिस कारण उसे 2 फ्लोर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आना पड़ा। उस लड़की की बात सुनकर मिहिर ने एक गहरी सांस छोड़ी और मुड़कर उसकी ओर देखा। जल्दी करो और चुपचाप मेरे साथ यहां से चलो, वरना मुझे गार्ड्स को बुलाना होगा। लड़की ने दांत पीसते हुए मिहिर का कॉलर पकड़ लिया और उसे बाहर की ओर खींचा, लेकिन मिहिर अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं किसी से मिलने आया हूं। मिहिर ने अपना सिर हिलाया
और अपना मोबाइल निकालकर एक नंबर मिला दिया। लड़की ने यह सोचा भी नहीं था कि मिहिर इस तरह उसकी बातों को नजरअंदाज कर देगा। उसने गुस्से में एक गहरी सांस भरी और मिहिर को खींचते हुए सीढ़ियों की ओर ले जाने लगी। देखो तुम बहुत पछताने वाली हो। लड़की को इस तरह खुद को धक्का देता हुआ पाकर मिहिर शॉक्ड है। पछताओगे तो तुम, क्योंकि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। लड़की ने गुस्से में मिहिर को एक और धक्का दे दिया। ठीक उसी समय एक डिंग की आवाज के साथ लिफ्ट का दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र का आदमी लिफ्ट से बाहर आया। उस आदमी की उम्र लगभग 40 साल है और वो ग्रे कलर का सूट पहने हुए है। कल्पना, ये क्या कर रही हो तुम? अपने सामने का दृश्य देखकर वो आदमी गुस्से में उस लड़की से बोला और मिहिर के सामने आकर अपना सिर झुका दिया। छोटे सरकार, इस लड़की की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। वो आदमी मिहिर से माफी मांगते हुए बोला और इसी के साथ उसने कल्पना का हाथ पकड़कर उसे पीछे की ओर खींच लिया, जो अभी तक मिहिर की कॉलर पकड़े हुए थी। इससे पहले वो आदमी कल्पना से कुछ और कहता, मिहिर ने बीच में आते हुए कहा, निखिल, कल्पना की इसमें कोई गलती नहीं है, वो सिर्फ अपना काम कर रही थी। मुझे खुशी है कि हमारे साथ इतने ईमानदार लोग काम करते हैं। निखिल ने मिहिर की बात सुनकर कल्पना से कहा, अब तुम बाहर जाओ, मुझे छोटे सरकार से कुछ जरूरी बातें करनी है। यह सुनकर कल्पना वहां से चली गई। इसके बाद निखिल भी मिहिर को लेकर अपने ऑफिस की ओर बढ़ गया। छोटे सरकार, ये मुंबई में आपकी पारिवारिक संपत्ति और व्यवसायों का ब्यौरा है जो आपकी है, कहते हुए निखिल ने एक फाइल मिहिर के सामने रखी। मगर आपके पिता चाहते हैं कि बिजनेस को टेक ओवर करने से पहले आप अपनी काबिलियत को साबित करें। क्या मतलब काबिलियत साबित करें? क्या वो ये चाहते हैं कि मैं मुंबई का पूरा बिजनेस संभालूं? मिहिर डॉक्यूमेंट्स के पन्ने पलटते हुए बोला तो निखिल ने अपना सिर हिला दिया। जी सही कहा, निखिल ने मुस्कुराते हुए मिहिर से कहा। उनका कहना है कि वो आपको अपनी काबिलियत दिखाने के लिए 2 साल का वक्त देंगे। अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद आप 1 साल और मुंबई में रुक सकते हैं। उसके बाद वो रिजल्ट चेक करने के लिए खुद देहरादून आएंगे। निखिल की बात सुनकर फाइल पर चल रहे मिहिर के हाथ रुक गए। उसने एक गहरी सांस छोड़ी और कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। मिहिर जानता है कि यह फैसला सिर्फ उसके डैड का ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली का है। शायद वो लोग ये चेक करना चाहते हैं कि वो इतने बड़े बिजनेस का वारिस बनने के काबिल है भी कि नहीं। वैसे भी वो जानता है कि अमीरों के घर में रिश्तेदारी भी सिर्फ जायदाद हड़पने का एक दिखावा है और पहले से ही उसके कई रिलेटिव्स उसके फैमिली बिजनेस पर आंखें गड़ाए हुए बैठे हैं। मिहिर ने वो फाइल अपने बैग में डाल ली और निखिल को देखते हुए कहा, अब जबकि सजा पूरी हो गई है तो मुझे मेरे फंड्स चाहिए। या श्योर, निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा और कोने में रखे एक सेफ की ओर बढ़ गया। सेफ पर लगे फिंगरप्रिंट स्कैनर पर उसने अपना अंगूठा स्कैन किया और सेफ खोलते हुए 2 कार्ड्स बाहर निकाले। ये ब्लैक कार्ड, जिससे आप कहीं भी कुछ भी खरीद सकते हैं। इसकी लिमिट के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसे अब आप यूज कर सकते हैं, कहते हुए निखिल ने एक क्रेडिट कार्ड मिहिर की ओर बढ़ाया और फिर दूसरा कार्ड देते हुए बोला, ये आपके नए घर की चाबी है जो शहर के बीच में है। ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए। या श्योर, मिहिर ने दोनों कार्ड अपने बैग में रखे और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। निखिल भी उसे बाहर तक छोड़ने के लिए अपने चेयर से उठा, मगर मिहिर ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और अकेले ही निखिल के चैंबर से बाहर निकल गया। जैसे ही वो निखिल के ऑफिस से बाहर निकला, उसकी नजर लिफ्ट के सामने खड़ी हुई मैनेजर कल्पना पर पड़ी। उसने ध्यान दिया कि कल्पना शर्मिंदगी से अपना सिर झुकाए उसी को देख रही है। वो जो कुछ भी हुआ,
मैं उसके लिए आपसे माफी मांगना चाहती हूं। अरे नहीं नहीं, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस अपनी ड्यूटी कर रही थी और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मिहिर झेपते हुए बोला। आप सच में मुझसे नाराज नहीं है ना? अगर आपने मुझे सच में माफ कर दिया है तो मैं आपको डिनर ट्रीट देना चाहती हूं। इसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे किसी जरूरी काम से निकलना है। मिहिर ने उसके प्रस्ताव को नकार दिया। तो फिर अगली बार पक्का, जब भी आप फ्री हो तो मुझे बता दीजिएगा, कल्पना उत्साहित होकर बोली। ठीक है, लेकिन अभी मुझे जाना होगा, मिहिर उसी से जान छुड़ाते हुए बोला और तेजी से लिफ्ट में घुस गया। अगर मैं इतना अमीर नहीं होता तो क्या तब भी तुम्हारे यही ख्याल होते? मिहिर ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। सब लड़कियां एक ही जैसी होती हैं, इन्हें बस पैसों की भूख है और उसके लिए ये किसी के साथ सोने में भी नहीं कतराती। गुस्से में मिहिर की मुट्ठियां भिज गईं। कल्पना का बिहेवियर देखकर उसे तारा की याद आ गई थी। फंड्स मिलने के बाद मिहिर के दिमाग में पहली बात यही थी कि उसे कुछ अच्छे से कपड़े खरीदने हैं, ताकि अगली बार से कोई भी उसके कपड़ों को देखकर उसकी औकात का अंदाजा न लगाए या ये कहे कि उसे गरीब समझने की भूल ना करे। उसने अपने कदम तेजी से पास ही के एक मॉल की ओर बढ़ा दिए। मॉल में घुसते ही सेकंड फ्लोर पर उसे एक ब्रांडेड कपड़ों की शॉप दिखाई दी और वो सीधे उसी दुकान में घुस गया। उसके अंदर जाते ही सेल्स पर्सन ने उसे रोकते हुए कहा, तुम कितना लेट आ रहे हो, अभी तक सफाई भी नहीं हुई है, जल्दी काम शुरू करो और देखो वहां किनारे से कचरा उठाओ, शीशे साफ करो। मिहिर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन खुद पर काबू रखते हुए वो बोला, देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं यहां शॉपिंग के लिए आया हूं। वो आदमी ये सुनते ही हैरान हो गया। शॉपिंग? मिहिर ने हां में अपना सिर हिलाया। उस आदमी ने मिहिर को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, उस तरफ डिस्काउंट सेक्शन है, तुम वहां जाओ। मिहिर अंदर जाकर सबसे महंगी कलेक्शन को देखने लगा। यह हमारे शॉप की सबसे ब्रांडेड और महंगी कलेक्शंस हैं, हर कोई इसे खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकता। फालतू में आसपास मत भटको, इन कपड़ों पर तुम्हें कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है, सेल्स पर्सन ने मिहिर के सामने आते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर मिहिर के होठों पर मुस्कान तैर गई। अचानक उसकी नजर एक महंगे ब्लेजर पर पड़ी और वो इसे लेने के लिए आगे बढ़ा ही कि सेल्स पर्सन ने उसे बीच में ही रोक दिया। मैंने तुमसे कहा ना कि ये चीजें तुम्हारी औकात से बाहर हैं, इसलिए इनको छूना बंद करो और चुपचाप बाहर डिस्काउंट वाली एरिया में जाओ जहां तुम्हारी औकात की चीजें रखी हुई हैं, सेल्स पर्सन ने गुस्से से कहा। उसकी बात सुनकर मिहिर भी उकता चुका है। उसका मन कर रहा है कि अपनी जेब से कार्ड निकालकर उसके मुंह पर फेंक के मारे, ताकि उसे भी पता चले कि उसके सामने इस सेल्स पर्सन की क्या औकात है। मगर इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, एक जानी पहचानी सी आवाज उसके कानों में पड़ी। मिहिर ने जैसे ही उस ओर देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि उसके सामने। तो क्या होगा कहानी में आगे? आखिर किसे देख लिया है मिहिर ने? कौन पहुंच गया है वहां? क्या मिहिर की सोच लड़कियों को लेकर बदल पाएगी? आखिर क्या है मिहिर की सच्चाई? कौन सी सजा पूरी होने पर अब उसे एक अच्छी लाइफ मिल रही है? क्या होगा जब तारा को पता चलेगी मिहिर की सच्चाई? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए रईस ज़ादे, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।